अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, हम सब ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। इतने जो प्यार देते हैं उससे तो हमने ठीक ही होना था। व्लॉग हमने शुरू कर दिया और अपने व्लॉग में हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को, प्यारे प्यारे बहन भाइयों को। तो मैं ऊपर आई थी, राशा पीछे आए जैसे मैं कहीं भाग रही हूँ। मैंने कहा हो सकता है ये पीछे ट्रेन की पटरी है, ठीक है ना, आप हो सकता है इधर से छत से उतर के आप भाग जाए, तो फिर मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, इतनी भी नहीं अंत आई, टिकटें हुई हुई आज रात की, हमारी टिकटें हुई हैं, आज रात को हम चले जाएंगे। बड़ा दिल परेशान है, सबको छोड़ के जा रहे हैं, सबने इतना प्यार दिया है, दिल ही नहीं करता जाने को, हम मजबूरियाँ क्या करें। बस अब घर जाएंगे, बच्चे भी हैं लाहौर, बच्चे हैं वहाँ से बच्चों को उठाना है, तो इतनी टेंशन बनी हुई है। बस ये इन्होंने ना छत के ऊपर रखे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये रिवाज देखा, ये लोग ये दानों पे जो होता है ना मटका क्या पड़ोला, ये इन्होंने रखा हो छत, छतों पे रखा होता है, छतों पर सब ने रखा हुआ है। हमारे में ना कमरों में रखते हैं, जो बिस्तरों वाला कमरा होता है ना भाई, हमारे ससुराल में तो इसी तरह है, हमारे पास तो नहीं है, खैर हम लोग तो आटा दूसरा ले के खाते हैं। ये तो दाने खुश नसीब लोगों को मिलते हैं, दाने वाले आटा बहुत ज़बरदस्त होता है, गंदम का ना असली आटा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि उससे इंसान स्मार्ट स्मार्ट रहता है। खैर अल्लाह ताला ने जो भी रिस्क दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहमद भाई के दाने के पड़ोले को देख के मैं खुद हैरान हो रही हूँ, ये बारिश होती है अंदर पानी भी नहीं जाता, ऐसी अहमद भाई की। वो आपको पीछे मिल नज़र आ रही है, वो आपको पीछे मिल नज़र आ रही है, वो देखें ना, वो देखें, ये अहमद भाई बता रहे थे कि एशिया के सात ममालिक में से ना ये सबसे बड़ी मिल है, शुगर मिल। अच्छा, हाँ जी, ये सबसे बड़ी शुगर मिल है भाई, यहाँ पे चीनी बनती है, चीनी बनती है। और यहाँ पे मेरे हाल में आप उन्होंने शुरू करना है, क्या नाम है, स्टील की भी मिल शुरू करनी है, लेकिन रकबे के लिहाज से भी और बहुत बड़ी मिल है ये ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, और यहाँ का ये माहौल देखे माशाल्लाह, बहुत प्यारा, ये देखे ना हरे भरे दरख्त, अरे बड़े दरा शहरों में ये भाई इस्लामाबाद पिंडी, अब घरों के साथ घर जुड़े में बिल्कुल कोई है ही नहीं निज़ाम भाई, दरख्त वगैरह है ही नहीं, हम लोग तरस जाते हैं भाई घास वगैरह आ रहा हो। मैं कितनी दफ़ा इनसे कहती हूँ मुझे ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे घास हो, उधर बैठ के मैं कुकिंग करूँ। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, कोई ऐसी जगह ढूँढेंगे वहाँ पर बैठ के मैं आप सबको कुकिंग अपनी दिखाऊँगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बस एक दफ़ा घर पहुँचे और कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा है, ट्रेन में हमारी सहरी होगी, अफ्तारी तो हमारी चलो घर में होगी। आयत ये क्या कर रही हैं आप? आयत जी क्यों कपड़े उतार के आप उधर से ले आई हो जी? किसके हैं? आपके नहीं हैं ये, बेबो के हैं, बेबो जानी और हसन जानी के। गंदे हो रहे, बहुत बुरी बात, उठो मेरी बेटी, शाबाश, चलें जी ऊपर चलें, ऊपर ऊपर चलें, नीचे चलें, नीचे चलें, नीचे चलें, नीचे चलें। आप मेरे हाल में ऊपर ये देखने आए थे, छत में जाना है जिधर टंकी पड़ी है उधर जाना है, आप ऊपर आई थी मेरे हाल में कुछ देखने आई थी ना माहौल वगैरह, मैंने कहा थोड़ी सी ना जाते जाते सर्दियों की आखिरी धूप लगवा ली, बस ठीक है आप धूप लगवाए, चलें जी अब नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं तो तैयारी भी करनी है, आज मेरे ख्याल में बाजी के घर भी जाना है। हाँ जी, मुझे बहुत शौक है सलमा आपी से इन सब से मिलने का, अब आज इंशाल्लाह उधर जाएंगे, फिर वहीं से ये दस वहाँ से आप वहाँ से भी हमने जाए हैं जाना है, वहाँ से छोड़ेंगे हमें स्टेशन पर साट देंगे। हाँ स्टेशन पर साट देंगे, ये नहीं स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे, छोड़ देंगे जाएंगे, यहाँ पर ना मुझे धूप लग रही है, यहाँ पर धूप लग रही है, छाँव यहाँ पर कौन सी आ रही है, ये है ना। तो स्टेशन पे जब सटेंगे वहाँ से हम बहेंगे तो उड़ जाएंगे, बहेंगे ट्रेन उड़ती है वो, हम तो उड़ेंगे ना ऊपर बैठेंगे, ऐसे जगह झटके लगते हैं बंदा जैसे उड़ रहा हो, राजद को मैं ट्रेन की छत के ऊपर बिठाऊंगी ताकि सच में उड़े, इनको पता लगे ट्रेन में कोई उड़ता है नहीं, ऐसे झटके लग रहे होते हैं ना ये ऐसे मुंतहा भी तो लगाती है ना झटके, मुंतहा बैठी भी यूं यूं करती है, इतनी खुश हो रही होती है। जब हम फर्स्ट टाइम आए ना, मुंतहा बहुत छोटी थी, मैं लाहौर गई थी भाई, पिंडी से लाहौर 4 घंटे का सफ़र है, मुंतहा रो रो के भाई उतरो ट्रेन से, आयत भी, इस दफ़ा तो दोनों मेरी बेटियां खुश थी, मुंतहा तो इतनी ज़्यादा खुश थी
जैसे वो ट्रेन रुके पां करे के मम्मा मम्मा गाड़ी गई गई भाई गाड़ी गई गाड़ी आयत को नहीं देखती जैसे यहाँ पे हॉर्न बजता है गाड़ी का कहती मम्मा गाड़ी आ गई मम्मा गाड़ी आ गई चले 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 वो आधी रात को उठती है तकरीबन एक दो का टाइम होता उठती है मामा आप ही के पास चले ना मानिया आप ही के पास भाई वानिया को ना मानिया कहती है मानिया आप ही के पास चले तो मैंने कहा इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह अब हम जो हमारे न्यू व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको हम अपने बच्चे वो भी दिखाएंगे सबके कमेंट्स भी आए हैं नहीं मेरे हाल में एक एक ने कमेंट्स किया है कि आपके दूसरे बच्चे नहीं नज़र आ रहे इंशाल्लाह दिखाएंगे इंशाल्लाह लाहौर के स्टेशन पर मेरे बच्चे बहुत प्यारे बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों के क्या सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे मेरे बच्चे 8 दिन हमसे अलहदा हुए हैं बहुत ज़्यादा याद आ रही है ये तो मेरे दिल से पूछे ना कितनी उनकी मुझे याद आ रही है बहुत मुश्किल से छोड़ के आई ये फर्स्ट टाइम है जो मैंने अपने बच्चे अपने से अलहदा किया एक रात भी नहीं अलहदा हुए हैं तो अहमद भाई लोगों की कह रही हूँ तो छोड़ के आई हूँ ये तो कह रहे थे सारे बच्चों को लेके ये तो इनका इतना ज़्यादा प्यार है मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हिम्मत हुई आने की तो नंबरदार की शादी पे आएंगे या मुंशी की शादी पे आएंगे इन दोनों की शादी में आएंगे जो अल्लाह ताला ने मत दी सारे बच्चे और हमें 15 तारीख की इन्विटेशन भी मिली है ना आपको ये पता है ना किधर से बस वो हम बताएंगे ना सबको बाद में 15 तारीख की चले नीचे चले अब धूप लग रही है अब आखिरी धूप जो लगवानी थी वो बहुत ज्यादा लग रही है चले जी ठीक है चलते हैं ठीक नीचे आ गए नीचे आके देखा भाजी ने हमारे लिए आज अपने हाथों से नाश्ता तैयार कर रही है अंडे टमाटर प्याज बना रही है हमारे लिए बड़ी खुशी हुई इनका प्यार देख के हमारे लिए आज नाश्ता ही अपने हाथों से बना रहा है आगे भी बहुत इंजॉय किया नाश्ता इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इतना प्यार से जो बनाए फिर इसकी तो और ही बात है तो, सही बात है ठीक है नाश्ता करके तो फिर मिलते हैं हमारे साथ जुड़े रहिएगा फिर मिलेंगे आप नाश्ता माशाल्लाह सारे कर रहे हैं इतने मजे की ये देखिए अंडे गंडे बसल हाँ अंडे गंडे प्याज टमाटर सब कुछ वो जो बाजी ने बनाया बाजी ने बहुत मजे के बने जिसने खाने खा करें हम खा रहे ना हम समझे आपने भी खा लिया बस तो समझो तो हाँ अब आप लोग हमने आज जाना है 9:30 बजे ट्रेन आएगी आज हम चले जाएंगे दिल बहुत परेशान है सबकी बहुत याद आएगी नहीं जाओ ये मेरी जिंदगी ये मेरी सबकी बहुत याद आएगी बहुत अच्छा वक्त गुजरा ये मेरे 30 सालों में पहला जो वक्त है ना ये बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह से सारी जिंदगी अच्छी गुजरी यानी मगर ये बहुत अहम मेरे लिए दिन थे मेरे बहन भाई सारे थे मेरे साथ बहुत प्यार इन्होंने दिया अभी मैं तो कहती हूँ ना जाओ माह रमजान मेरे पास रहो उसके बाद फिर चले जाना फिर मजबूरियाँ है ना घर की मजबूरियाँ बच्चे हैं इंशाल्लाह फिर आएंगे ना जरूर आएंगे बच्चों को यहाँ पे बुलवा लेते हैं मुंशी भाई को स्पेशली हमारी तरफ से मुंशी भाई आपने जरूर पिंडी आना सब ने आना आपने स्पेशल मेहमान हमारे होंगे ठीक है इंशाल्लाह मेरा कारोबार भी है आपने देखा है कौन सा कारोबार ये बता दें बताएं सफा कौन सा कारोबार है अंडरवेयर का कारोबार है अंडरवेयर बनाते हैं कच्चे जो दरिया में पहन के उतरते हैं ना सूखी नहर में निकालने के लिए ये वो अंडरवेयर बनाते हैं बच्चों को नहीं पहनाते हैं चढ़िया वो वाली बनाता है ना ना जो ऊंट को पहनाते हैं जो ऊंट को पहनाते हैं ऊंट को भी पहनाते हैं ये ऊंट को भी पहनाते हैं बहुत मुश्किल है पूरी दुनिया में फेमस है ये बंदा अगर किसी बहन भाई ने लेने हो तो मैं से रब्ता कर किसी ने भी इंटरव्यू लेने हो इनसे रब्ता करे जो गलती शुदा है कभी फटेंगे नहीं फटेंगे नहीं जो फट गए तो पैसे वापस मुंशी पैसे देगा हमारी गलती नहीं है एक नंबर चीज है एक नंबर माल होता है मुंशी जी किस जगह पे पिंडी किस जगह पे पिंडी क्या रिचार्ज बताऊँ तुम कोई जगह होगी तो ये बताएं डबल मोड हमारा है नहीं डबल मोड डबल मोड तो उधर है ही नहीं है जीटी रोड पे जीटी रोड
हाँ ये डबल रोड पे कह रहे हैं, उधर शहर भी है और दुकानें भी हैं। ये डबल रोड पे कह रहे हैं मेरे हाल में जो तला गंग, ये तला गंग रह गया है। अच्छा हाँ मूंगफली तलाई करता था। अच्छा अच्छा हाँ इन्होंने मुझे बताया था कि उधर क्या नाम है मूंगफली का भी मैं काम करता था तला गंग। लेकिन ये है नहीं बल्कि ये जहाज जो है ना उनका जो होता है सामान वो उतरता था में, पे। नहीं वो गजानी था कराची में। अच्छा ये तला का क्या मूंगफली का था? मूंगफली साहब हाँ मूंगफली करते थे मूंगफली का साइड। जी जी जबरदस्त। लेकिन ये अहमद भाई के मूंगफली जो है ना वो हमारे शहर की मशहूर है गुजर खान की। आप ना दुआ करनी है, आप भी सब भाई देखने वाले भी दुआ करनी है कि हमें ना अल्लाह पाक जो है ना आपके घर की विजिट करवाए, हम आ सकें ना। हम जब इंशाल्लाह बूढ़े हो जाएंगे ना फिर आएंगे आपके घर। जब बड़े होंगे तो जी बूढ़े बूढ़े होंगे, हमारे साथ हमारी बेटी होगी वो चल रही होगी, आपसे बातें करेगी प्यारी प्यारी, उस टाइम हम आएंगे। अच्छा दुआ करें बस अल्लाह पाक जल्दी बेटी दे दे। चले आप सब ने दुआ करनी है अहमद भाई को, अल्लाह ताला दो दो बेटियां दे। नहीं हमारी जो दुआ है ना, हम जो खासकर मैं दुआ देता हूँ ठीक है ना, वो मेरी दुआ ऐसी होती है कि अल्लाह ताला आपको थोक के हिसाब से बच्चे दे, ज्यादा दे। ये लगती भी है या मन लगती भी है? आप लगाएंगे तो लग जाएगी। आपकी वाईफाई तो कह रही है कि नहीं लगती। ये मेरी वाईफाई जो है ना मेरे को खुद को जो लगी है अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरे 5 बज गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे वो ना लगे, वो मामू वो नहीं कह रहे कि 5 बच्चे हो जाए, वो लगे वो कह रहे हैं कि आपकी दुआ लगे कि अल्लाह पाक दे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको भी दे, जरूर देगा, जरूर अल्लाह ताला बेटी देंगे इंशाल्लाह। आप तैयारी करते हैं फिर, आपने दुआ करनी है कि मेरी जैसे शादी नाश्ता हम सबने कर लिया माशाल्लाह से, आप तैयारी करते हैं के साथ आऊं आपके घर फिर अच्छा लगूंगा। कह रहे दुआ करनी है मेरी शादी हो, मैं भी शादी सिर्फ रुखसती रह गई है, निकाह हुआ हुआ है, निकाह हुआ हुआ है, फिर बड़ा रहता है, बड़ा रहता है, ये नहीं बड़ा ये नहीं कि रुखसती रहती है, घूमना फिरना रहता है। हां फिर ऐश करेंगे। मैं पहली बार मैं अपने वाइफ को कहूंगा चले चले पिंडी। पिंडी इतनी दूर तो नहीं है, मिठाई करती चंगा भला दूर है, पूरी रात सवारे तला गंग का। हाँ पूरी रात ते अगु ते वाला खबर है, पूरी रात दिन लग जाता, रात सोने में गुजार देना ना। सही है चलें इंशाल्लाह अब तैयारी करते हैं ठीक है, क्योंकि अभी निकलना है तो चलते हैं बाजो के घर। चलें बाजो, ये सरमा बाजी को कह रहे बाजो बाजो प्यार से बिल्कुल, वो सेम मेरी बहन की तरह है, मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है ना 5वें नंबर वाली बहन शबाना, सेम उनके तरह है वो, बिल्कुल हकीकत बिल्कुल। और हमारी ना जुबान में ये बाजो भी कहते हैं, बाजो बाजो बाजी को बाजो भी कहते हैं, बाजी को बाजो प्यार से कहते हैं, प्यार से। हां हम गुड़िया तो अभी हमने बाजो के भी घर जाना है, गुड़िया कहते हैं और वो है ही गुड़िया, हां गुड़िया प्यार से हम सब ना गुड़िया कहते हैं। जी ठीक ठीक चले ठीक है जी, चलते हैं फिर मिलते हैं। ये क्या पीछे छुपा लिया आपने? मुझे सबा भाभी ने गिफ्ट दिया है। अच्छा क्या बात है, आपको तो मैं नहीं दूंगी ना दिखाऊंगी। मुझे नहीं दिखाएंगी? नहीं मेरा हाल में कोई स्पेशली गिफ्ट है बारे मुल्क का। अच्छा कहते वहां से लेके आते, देखो मैं इतनी नसीबों वाली हूँ, मुझे वहां का गिफ्ट मिला है, वो भी कोई मेरा किए हुए 5-6 महीने हो गए मेरे हाल से। कितने महीने हो गए? 3 महीने 3-4 महीने हो गए उमरा किए हुए, तो देखे अभी तक गिफ्ट मेरे नसीबों में था। ये क्या मुझे बात है, बाबिन दिए, दिखा दो, दिखा देना, दिखा दो, दिखा दे, दिखा दो, दिखा देना। अब कितना तरसाएंगी, दिखा दो, चलो रहने दो ना। ये गिफ्ट पैक हुआ हुआ है जबरदस्त, मैं तो अभी लगाऊंगी भाई, खोलो इसको। जी जी खोल लेना बिल्कुल, क्या बात है, मैं आपको तो नहीं दूंगी लगाने के लिए, मैं अकेली। चलें घर में पड़ा होगा ना, किधर से आपने पास ही रखना? नहीं मैं छुपा के रखूंगी। हाँ ये बात है, आप ढूंढते रहना। हाँ ढूंढते रहना, वो है ना ये आपको ले जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये निकल ये देखिए कितना प्यारा अंदर से भी, माशाल्लाह बहुत प्यारा गिफ्ट है।
बहुत प्यारी खुशबू है। पहले आपको लगाऊंगी, पहले आप लगा लें, पहले आपको, आप मेरे मियाँ है ना, किट्टू है ना, चले ये बगल के नीचे नहीं बगल में, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू है। और बाहर का गिफ्ट पहली दफा हमें किसी ने दिया है, नहीं तो हमारे सारे बाहर जाते, आज तक हमें बाहर का गिफ्ट ही नहीं नसीब हुआ। देखे अगलों का इतना प्यार, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला सबा, भाभी बहन शहजादी सी सभा और अहमद भाई का सबका शुक्रिया, अल्लाह ताला इन सब को बहुत ज्यादा खुश, ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी। बस अब तैयारी करते हैं, बच्चों के कपड़े दिखा, चलें जी, बच्चों के कपड़े निकल आए हैं तो अभी तैयारी करते हैं, तैयारी करके तो इंशाल्लाह निकलते हैं बच्चों के घर। ये देखें ये मेले हैं, मेले हैं ये किसके हैं, ये किसके हैं, मेले। ये भी देखो, इस पे भी बेबी डॉल बनी हुई है मेरे ख्याल से, फ्लावर्स, ये बेबी डॉल पीछे बनी हुई है, ये मिली सोनी शहजादी के मुंतहा को पहनाऊंगी, ये देखे मुंतहा, ये किसके मेले, ये किसके मेले। ठीक है जी, ठीक है, इनकी तैयारी करें, देखे जिनड़ियां बनी हुई है, फिर जब तैयार होंगी मेरी शहजादियां बन जाएगी माशाल्लाह से। आप सबकी दुआओं से मेरी बेटियां शहजादियां हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। चले क्या हो रहा, क्या ढूंढ रही हैं, सारी दवाइयां इकट्ठी करो ना, बाल सब्र करे। ये देखो ये वो रखी है, आपको जिस तरह जाते हुए गैस आते का मसला बन गया था आते हुए, तो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पैनाडोल भी, ये बुफलान ही है ना, ये वाली पेन किलर, ये भी पैनाडोल है, ये वाली मुंतहा की खांसी की भी है और मोशन की भी है दवाई है, ये भी साथ रखी है, और ये गैस का सिरप है, क्योंकि मेरे को ना खाना खाने के बाद गैस हो जाती है, ये मैं लेती हूँ थोड़ा सा मुझे सुकून होता है, ये भी साथ रखी है। इसी फिर खांसी के सफ़र में दवाइयाँ ज़रूर होनी चाहिए, आते वक्त हमारे पास पैनाडोल के अलावा और कोई दवाई नहीं थी, अभी ये अजवाइन भी लूँगी सबा बहन से, जो भी सफ़र में दूर जाए दवाइयाँ अपने पास ज़रूर रखें, अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर इंसान कोई पता नहीं चलता, हकीकत बात है, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया था। ये मेरा पैगाम है आप सबके लिए, दवाइयाँ ज़रूर पास रखें। अब हमने स्टेशन पर गार्ड वगैरह सब थे, उन्होंने कहा भाई नहीं दवाइयों का नहीं है यहाँ पे, मैंने कहा जब मेरी तबीयत एक दफ़ा ट्रेन में ख़राब हुई थी तो वो डॉक्टरों ने फिर किया था, सब ने कहा गार्ड के पास दवाई होती है, वो वाकई में गार्ड के पास दवाई है थी, तो वो उन्होंने मुझे दवाई दी थी तो मैं ठीक हो गई थी, बहुत मेरी इस तरह ना तबीयत ख़राब हो गई थी, उस टाइम मेरे ना पिते का ऑपरेशन नहीं था हुआ, पिता बहुत ज़्यादा तंग करता था, पेट सूख जाता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं ठीक हूँ, दवाइयाँ अब मैंने पैक कर ली हैं, तो ये आप सबको कैसा लगा मेरा पैगाम, भाई सफ़र पर जिधर भी जाए दवाइयाँ साथ ज़रूर रखें, चाहे पैनाडोल की गोली रख ले, रखें ज़रूर, तबीयत का कोई पता नहीं होता, जो जो मेरे बहन भाई ठीक है अल्लाह ताला उनको भी ठीक रखे, सबको ठीक रखे, क्योंकि दवाइयाँ ज़रूर साथ रखें। माशाल्लाह जी आपने तो कमाल कर दिया, किसने तैयार किया है, शबाबी ने, बोलो शबाबी ने, शबाबी ने, आज मेरी बेटी को ये देखे ना, मुझे शहजादी लग रही है, ये करीब से देखे, ये सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, ये देखे टिक्के भी और चुकी भी, चुकी भी गाई है पापा, ये इसको तो जितना भी तैयार कर लो पता ही नहीं लगता इसको तैयार किया है, क्योंकि इसके बाल छोटे छोटे कमज़ोर बहुत हैं, कितना प्यारा हसी है। चले अब हमारे जाने की तैयारी हो गई है, तो सबसे मिलते हैं, तो वीडियो का वहीं पे अल्लाह हाफिज़ करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी,
फिर आप ही के घर जाएंगे, सलमा आप ही के घर, उधर जाके आप सबको मिलवाएंगे इंशाल्लाह। देखिए जी जोड़ी माशाल्लाह तैयार हो गई है, तैयार हो गया जाने के लिए, तैयार हो गए। हाँ जी अब सबसे मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुखलिस भाई, क्या हाल है जी? ठीक है और सुनाएं क्या हाल भाभी? ठीक है भाई, आप ठीक ठाक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस तैयारी हो गई है, निकलने लगे हैं आप। अभी क्यों? अभी जाएंगे ना वो बाजों के घर जाना है, बाजी के घर, सलमा बाजी के, सलमा की, सलमा की का, उनको हमारी ना पटवारी जबान में बाजी को जो है प्यार से बाजो कहते हैं, बाजो, तो इसीलिए हमने बाजी, मैं तो बाजी कहूँगा। मतलब जाना तो आज रात को है ना? जाना रात को 9:30 ट्रेन है तकरीबन, उधर से फिर जो नाम अल्लाह हाफिज कर लेंगे। नहीं मतलब उधर से हो तो वापस नहीं आना? नहीं वापस नहीं, इधर से एक दफ़ा जाएंगे। जी जी तो ये तो फिर मतलब है कि सबसे आपको मिलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, सबसे मिल के जाएंगे ना इंशाल्लाह, सबसे मिल के जाएंगे इंशाल्लाह। ये तो नहीं अब जाते, मैंने ये बात जो आपने कही है ना, ये मैंने जो मुझे पता लग चुकी थी कि अभी ना उधर जाके फिर आप ठीक है जी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ना व्लॉग बनाने बनाता हूँ आपको। हाँ जी अब आप ठीक है, आपके क्या डिटेल हैं, क्या आने का? आप तो हमारे कुली बन गए। हाँ जी कुली बन के अच्छा लगता है जी। तो चले अभी जो है ना इंशाल्लाह रवाना होते हैं, पहले दावत पे जाएंगे, उसके बाद फिर छोड़ने जाएंगे, आप सबके साथ रहना है जी। ठीक है बेगम जी, आ जाएं, आ जाएं ना, निकलते हैं जी। अब हम जा रहे हैं, हमारा आखिरी आपके टाइम जो थोड़ा सा आपसे शेयर कर लें, फिर वीडियो में देखा करेंगे ये गाय। तो जा रहे, दिल परेशान है, अब दिल को क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे इंशाल्लाह जी, उनके पास इंशाल्लाह जी दोबारा आएंगे। अभी बाहर जाकर भी उनसे भी सबसे मिलना है, सबसे मिलते हैं, सब भाभियों भाइयों से मिलते हैं, तो फिर चलते हैं। चले चले जी, अब हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। दुआओं में याद रखना है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हम खैर खरीत से घर पहुँचे, पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद।